गाइस, अब दूरबीन की खोज नहीं हुई थी तब गैलीलियो गैली जो कि एक महान एस्ट्रोनोमर और एक मैथमेटिशियन थे, वो दिन में सभी प्लैनेट्स की स्पीड और उनके पोजीशन को जमीन पर ड्रॉ किया करते थे और अपने ही कल्पनाओं में खोए रहते थे। साल 1609 में उन्हें एक ऐसे दूरबीन का पता चला जिसका आविष्कार हॉलैंड में हुआ था। इस दूरबीन की हेल्प से स्पेस में प्लैनेट को देखा जा सकता था और उनके बारे में रिसर्च किया जा सकता था। जब गैलीलियो ने इसके बारे में सुना तो उनकी रातों की नींद उड़ गई। वो हर वक्त उस दूरबीन के बारे में ही सोचा करते थे कि काश ऐसी दूरबीन मेरे पास भी होती, लेकिन उसे हॉलैंड से मंगवाना मजाक की बात नहीं थी। फिर उन्होंने दूरबीन के निर्माण की प्रक्रिया को समझा और वो अपने खुद की दूरबीन बनाने में जुट गए। एक चश्मे की दुकान से उन्होंने 3 स्पाई ग्लासेस को खरीदा और उसे बड़े फिनिशिंग से ग्राइंड करके दूरबीन में फिट किया और फाइनली उन्होंने हॉलैंड में बनी दूरबीन से भी एडवांस 20 गुना ज्यादा पावरफुल दूरबीन बना लिया था। और जब उन्होंने उससे आसमान में देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जुपिटर के चारों तरफ 4 मून्स को ऑर्बिट करते हुए देखा, जिन्हें हम आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के नाम से जानते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।